डीडी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, सोयाबीन, धान, लहसुन, आलू और मसूर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पोरबंदर मंडी में स्थिर भाव पर हुए सेब के सौदे, गढ़शंकर मंडी में बढ़े तो अलीगढ़ मंडी में घटे भाव। धोराजी मंडी में 125 रुपए चढ़कर बिकी सोयाबीन, इंदौर मंडी में दर्ज हुई 585 रुपए की गिरावट। राजकोट मंडी में 2325 रुपए पर हुआ आलू का कारोबार, गोलूवाला मंडी में 1700 रुपए पर हुई खरीद। आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को सेब की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में सेब के भाव घटते बढ़ते रहे। सेब के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 12 सितंबर को सेब का भाव था 7,500 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,500 रुपए पर ही बना रहा। इसी तरह दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 12 और 13 सितंबर को सेब की खरीद बिना किसी फेरबदल के 5,000 रुपए पर हुई। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 12 सितंबर को सेब का भाव रहा 4,500 रुपए, जो कि 13 सितंबर को 1,000 रुपए की बढ़त के बाद 5,500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। यहां 12 सितंबर को सेब का भाव रहा 7,800 रुपए, जो कि 13 सितंबर को 100 रुपए लुढ़क कर 7,700 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतरिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3,00,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हाँ, तो देश के विभिन्न मंडियों में सेब के जो भाव है उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आई। हालांकि कुछ एक मंडियां ऐसी भी रही जहां पर स्थिरता देखी गई सेब के भाव में। उपज की बात की जाए तो जो अंतिम अग्रिम अनुमान जारी किया गया है उसके अनुसार उपज में बढ़ोतरी के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। तो अच्छी उपज के कारण आने वाले समय में सेब के जो भाव है वो कृषि उपज मंडियों में उसमें असर जरूर रहेगा। ये तो सेब की बात हो गई। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और सोयाबीन का हाल भी जान लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में 13 सितंबर को सोयाबीन की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो सोयाबीन की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। सोयाबीन के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। शुक्रवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखते हुए एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 12 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,600 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 4,700 रुपए हो गया। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में 13 सितंबर को सोयाबीन का भाव 125 रुपए की बढ़त के बाद 4,180 रुपए से 4,305 रुपए पर पहुंच गया।
जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 12 सितंबर को यहां सोयाबीन का भाव रहा 4,590 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में 585 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद सोयाबीन का भाव 4,005 रुपए पर आ गया। राज्य की शाहगढ़ मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां 12 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,250 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 4,250 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 125,11,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ सोयाबीन 123,85,000 हेक्टेयर में बोया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का MSP साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसीलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। जी हाँ, तो सोयाबीन के बाज़ार में भी एक मिला जुला रुख इस वक्त देखा जा रहा है। कुछ एक मंडियाँ हैं जहाँ पर भाव में कोई बदलाव नहीं नज़र आया, लेकिन बाकी कई मंडियों में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ इसमें नज़र आई। ऐसे में अगर सोयाबीन का स्टॉक आपके पास रखा है और बिकवाली की सोच रहे हैं तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि लगातार मंडी भाव पर नज़र बना कर रखें, ताकि उचित मूल्य मिलने पर आप बिकवाली की सोच सकें। बहरहाल सोयाबीन की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन बाजरे के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहा। गुजरात की दीसा मंडी से शुरुआत करते हैं, तो आपको बता दें दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,550 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की ही राजकोट मंडी में बाजरे के सौदे 2,225 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात करें तो 3,600 रुपए पर बिकवाली हुई। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे का भाव 2,220 रुपए दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में चार चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन के साथ पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे लहसुन के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं धान की। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान धान के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान धान का औसत साप्ताहिक भाव 2,395 रुपए प्रति क्विंटल था। अगस्त के चौथे हफ्ते के दौरान धान के जो सौदे हैं उसमें मजबूती देखने को मिली और भाव 40 रुपए बढ़कर 2,435 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान धान के भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,385 रुपए।
जबकि सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान धान के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 84 रुपए चढ़कर 2469 रुपए पर जा पहुंचा। सितंबर महीने के दौरान धान की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। एग्मार्ट नेट के मुताबिक सितंबर महीने की 2 तारीख को लखनपुरी मंडी में धान का भाव रहा 2000 रुपए। जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, 4 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2000 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह से अगर 9 सितंबर की बात की जाए तो भाव 2000 पर यहां पर बना रहा और 9 सितंबर तक भी इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया। वहीं 12 सितंबर की बात की जाए तो धान के भाव में 150 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 1850 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने की बात की जाए तो धान के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। अगस्त महीने के दौरान धान का औसत मासिक भाव 2436 रुपए प्रति क्विंटल था, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। वहीं सितंबर महीने के दौरान धान के सौदों में 31 रुपए की गिरावट आई और भाव 2405 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो ये तो स्थिति रही अगस्त और सितंबर महीने में धान के भाव की, और देखा आपने कि किस तरह से एक मिला जुला रुख ये इसमें देखा गया और लगातार उतार चढ़ाव की स्थितियां धान के भाव में चलती रही। तो ये तो बात हुई धान की, धान का स्टॉक रखा हुआ है तो जाहिर तौर पर आपको लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखना होगा, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे कि बिकवाली आपको कब करनी है। आगे बढ़ते हैं अब और जान लेते हैं कि मूंग के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहा, और ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। तो राजकोट मंडी में मूंग का भाव दर्ज किया गया 8125 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी का रुख करें तो यहां पर 9000 रुपए में बिकवाली हुई, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 9650 रुपए भाव दर्ज किया गया मूंग का, और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 7410 रुपए पर हुए। ये तो बात दलहनी फसल मूंग की हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और सब्जियों में जान लेते हैं पपीते का क्या हाल रहा और देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन पपीते का भाव क्या दर्ज किया गया, और ऐसे में पहले शुरुआत गुजरात की दीसा मंडी से करते हैं। दीसा मंडी में पपीते का भाव रहा 3175 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी का रुख करें तो 1900 रुपए पर यहां पर भाव दर्ज किए गए। पंजाब के गढ़शंकर मंडी में 2200 रुपए में हुए सौदे, और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का रुख करें तो यहां पर 3100 रुपए पर भाव दर्ज किया गया। तो अलग अलग भाव दर्ज किए गए विभिन्न मंडियों में, और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, लहसुन की बात कर लेते हैं। तो अगस्त और सितंबर महीने के दौरान लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान लहसुन का औसत साप्ताहिक भाव 19375 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अगस्त के चौथे हफ्ते के दौरान लहसुन के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 1835 रुपए बढ़कर 21210 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान लहसुन के भाव में 1496 रुपए की चमक आई और भाव हो गया 22706 रुपए। इसी तरह सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान लहसुन के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 355 रुपए चढ़कर 23061 रुपए पर जा पहुंचा, यानी कि लगातार तेजी लहसुन के भाव में देखने को मिली। सितंबर महीने के दौरान लहसुन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। एग्मार्टनेट के मुताबिक सितंबर महीने की 2 तारीख को गाजियाबाद मंडी में लहसुन का भाव रहा 13150 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं 5 सितंबर को इसके सौदों में 1350 रुपए की बढ़त आई और भाव हो गया 14500 रुपए प्रति क्विंटल। 9 सितंबर की बात की जाए तो यहां लहसुन का भाव 100 रुपए चढ़कर 14600 रुपए हो गया। वहीं 12 सितंबर को यहां लहसुन के भाव में 200 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 14800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया।
अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में लहसुन के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली है। अगस्त महीने के दौरान लहसुन का औसत मासिक भाव 18,256 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वहीं सितंबर महीने की बात करें तो इस दौरान लहसुन के सौदों में 4,712 रुपए की तेजी आई और भाव 22,906 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जी हाँ, तो लगातार तेजी देखने को मिल रही है लहसुन के भाव में, चाहे अगस्त महीने की बात करें या फिर सितंबर महीने की बात करें। अगस्त महीने में भी जहां भाव में मजबूती का ट्रेंड बना रहा, तो वहीं आपको बता दें यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा सितंबर महीने में और लगातार तेजी चलती रही। तो उम्मीद है जिन किसानों के पास लहसुन रखा हुआ है, उन्होंने ज़रूर इस तेज़ी का लाभ लिया होगा और ज़रूर आप मंडी भाव पर लगातार नज़र बनाकर रखें। इस वक्त जो है लहसुन के बाजार में एक अच्छी चमक, एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू का हाल, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आलू की। इन दिनों मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एक्मापनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में शुक्रवार को आलू का भाव रहा 2,325 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर भाव रहा 2,293 रुपए। राजस्थान की गोलू वाला मंडी में इसके भाव 1,700 रुपए दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही है। जहाँ तो आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान है और इसका असर आने वाले समय में कृषि उपज मंडियों में आलू के भाव पर जरूर पड़ेगा। बात आलू की हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं अनार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की दीसा मंडी में अनार का भाव रहा 15,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे 7,500 रुपए पर हुए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में 10,938 रुपए में बिकवाली हुई और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव दर्ज किया गया 7,200 रुपए। तो अनार के हाजिर भाव के बारे में आपने जाना, देश के विभिन्न मंडियों में अलग अलग भाव इसके दिखे, कहीं पर ज्यादा तो कहीं कम। वहीं अब भिंडी के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कि विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या भाव रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भिंडी का भाव रहा 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे 1,700 रुपए पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की बात करते हैं, यहाँ पर 3,000 रुपए में बिकवाली हुई। तो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 1,710 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब मंडी खबर में आखिर में बात करते हैं मसूर की। मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडी में मसूर का भाव रहा 6,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 6,950 रुपए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में मसूर 9,900 रुपए पर बिकी। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 रुपए से बढ़कर 6425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। जी हाँ, तो काफ़ी बढ़ोतरी एमएसपी में की गई है मसूर दाल की जहाँ तक बात है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, ऐसे में इसका जो असर है वो कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर आने वाले दिनों पर ज़रूर पड़ेगा। अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो ज़रूर इसके मंडी भाव पर लगातार नज़र बना कर रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि करेले के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहां पर करेले का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 2,750 रुपए में हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,567 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे 2,480 रुपए में हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां जो कि कृषि भाव से जुड़े हुए हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, इससे सीधे सीधे आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। यहाँ पर हर्ब और एसेंशियल ऑयल दो मेजर क्रॉप हैं। देश और प्रकृति के लिए और समाज के लिए कुछ करना था, फिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो था इसी में फिर अपना करियर बना। मैं निहाल सिंह आ रहा हूँ अपने स्टार्टअप सफर के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 और सोमवार शाम 4:00 सिर्फ डीडी किसान पर। खरपतवार नहीं है बेकार, बनाए इन्हें अपने स्वास्थ्य का आधार। जाने अपने सुपर फूड को, देखें छत पर बागवानी कार्यक्रम 14 सितंबर शनिवार सुबह 9:00 दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए योगा विद ईरा त्रिवेदी प्रतिदिन सुबह 7:00 सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जटा तवी गलत जला प्रवाह पाविता स्थले, जटा तवी गलत जला प्रवाह पाविता स्थले, गले वलम गलम बिताम भुजंग टुंग मालिका, पौराणिक कथा पर आधारित उषा परणिया सोमवार से गुरुवार रात 9:00 पुनः प्रसारण दोपहर 12:00 सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
हाथ पैर या सिर में कंपन, चलने फिरने और बोलने में प्रॉब्लम, नींद की समस्या, अवसाद और याददाश्त में कमी, ये सब हैं पार्किंसन के लक्षण। पार्किंसन लक्षण और उपाय। अगर आप भी पार्किंसन की समस्या से ग्रस्त हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-3060 और 1800-11-3061 पर कॉल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। कोबरा है मेरा नाम। तुमने पुलिस पर गोली क्यों चलाई थी? हमने रंजीत बासु को कैद से छुड़ाने के लिए पुलिस पर गोली चलाई थी। तुम दोनों को मरना ही पड़ेगा। हमें जान से मत मारिए। कोबरा जिस पुलिस स्टेशन पर भी तैनात होता है उसके पीछे कब्रिस्तान जरूर बनाता है। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लहसुन बीते साल की तरह क्या फिर से सफेद सोना बन करके चमकेगा? चाइना के लहसुन पर कैसे भारतीय लहसुन भटकनी दे सकता है? सर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन, आप हिंदुस्तान के किसान को कम समझते। मैं उनको सीधा कहूंगा स्मगलर है। क्या लहसुन का निर्यात इस साल रिकॉर्ड स्तर पर होगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान जितेंद्र खुराना जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। यहाँ पर हर्ब और एसेंशियल ऑयल दो मेजर क्रॉप हैं। देश और प्रकृति के लिए और समाज के लिए कुछ करना था, फिर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो था इसी में सर अपना करियर बनाया। मैं निहाल सिंह आ रहा हूँ अपने स्टार्टअप सफर के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वो विरह की दास्तां, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो मोहब्बत का फसाना, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया। वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना, तेरे मन के उलझने सुलझाना चाहता। तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। दुनिया ना देखे घर के मेरा मन, रास्ता सजन मेरा छोड़ो थर। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। खाने की टेबल पर जब पूरा परिवार साथ बैठा हो और सामने हो कुछ लाजवाब देसी डिशेस, तो यकीन मानिए खाने का मजा दुगना हो जाता है। ओ वाओ, तो हम आ गए हैं उमंग जी की देसी रसोई में, जहाँ पर बसती है उनकी आत्मा। अच्छा ये बताइए, आज आप क्या क्या हमें बनाकर खिलाने वाली हैं और साथ साथ सिखाने वाली हैं? आज हम बना रहे हैं मेरठ की मशहूर कचौरी। देसी रसोई से सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे पुनः प्रसारण रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। We'll be right back.
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।